नमस्कार मित्रों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो काम किया था वो ईडीओ से अनबाउंड कनेक्टिविटी, सॉरी बाउंड कनेक्टिविटी परफॉर्म की थी, ठीक है ना। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ईडीओ अनबाउंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला जाता है, राइट, बोला जाता है नहीं, इंपॉर्टेंट ही है, राइट, ईडीओ अनबाउंड कनेक्टिविटी, राइट। तो इसको आपको एनी हाउ सीख लेना है, मतलब किसी भी तरीके से आपको ये जो एडियो अनबाउंड है उसको सीख लेना है, ठीक है। सो बेसिकली इसके लिए मैंने यहाँ पे जो हमारा लास्ट लेक्चर था, दैट इज 42, राइट, मैंने गलती से 45 आपको बताया था, दैट इज 42, इसको ही मैंने कॉपी किया है 43 में। और लास्ट लेक्चर में हम जहां पे खड़े थे वहीं से मैं आज यहां पे आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो एज ऑल ऑफ यू नो कि मैंने एक फॉर्म लिया था, राइट, और इसमें मैंने एक ईडीओडीसी नाम का कंट्रोल लिया था जिसकी मदद से मैंने ये कनेक्टिविटी परफॉर्म की थी, राइट। और साथ में मैंने ये कंट्रोल की मदद से ऐड और रिकॉर्ड को ऐड कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो डेटा एमडीबी इज नॉट अ वैलिड पाथ, राइट। सो यहाँ पे मुझे पाथ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसकी कॉपी की है। सो यहाँ पे मुझे जो कनेक्शन है मेरा वो अगेन बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। सो 43 लेक्चर नंबर है 43, राइट। सो यहाँ पे मैं 43 कर दूंगा, टेस्ट कनेक्शन, ओके फाइन, ओके अप्लाई, ओके फाइन, मतलब कि ये मेरा काम सही तरीके से करेगा अब, ओके फाइन। तो इसमें टोटल 3 रिकॉर्ड है, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे अनबाउंड कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है। सो इसके लिए बेसिकली मैं यहाँ पे एक नया फॉर्म ले रहा हूं, राइट। और इस फॉर्म का नाम मैं देता हूं एफ आर एम ईडीओ, यू कैन से कोड और अनबाउंड वॉट एवर, मैं इसका नाम देता हूं ईडीओ कोड। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, जिस लोगों ने पिछला लेक्चर अटेंड किया था उन लोगों के लिए ये बेहद सिंपल होने वाला है, क्योंकि मैं ये पूरा फ्रेम की कॉपी कर रहा हूं यहां पे, और ये जो मेरा फॉर्म है सेकंड नंबर का, वहां पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये सॉरी, क्योंकि मैंने अभी फॉन्ट सेट नहीं किए हैं, तो पहले मैं फॉर्म के फॉन्ट प्रॉपरली सेट कर लेता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये रहा मेरा टोटल कंट्रोल, मुझे उसको डिजाइन करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ओके फाइन। बाकी का काम तो हम देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले इस सबका नाम आपको देख लेना है कि हर एक कंट्रोल का जो नेम प्रॉपर्टी में जो वैल्यू होगी वो आपको पता होनी चाहिए। इसकी नाम ईएमपी आईडी है, ये है टीएक्सटी नेम, इसका नाम है डीटीपी ज्वाइन डेट, ओपीटी मेल, ओपीटी फीमेल, टीएक्सटी एड्रेस एंड लास्ट वन दैट इज द टीएक्सटी मोबाइल नंबर। इसकी मल्टी लाइन मैंने ट्रू की हुई है, सो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ओके फाइन। अब हमें क्या करना है, सो अब हमें ईडीओ से अनबाउंड कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है, राइट। सो सबसे पहले एक बार आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूं, लेक्चर नंबर 43, ये हमारा डेटाबेस है, राइट, एक्सेस का, इसका नाम है माई डेटा डॉट एमडीबी। जो नए लोग हैं उनको ये रिपीट करना थोड़ा जरूरी है। और यहां पे अगर आप देखें डिजाइन व्यू में, तो यहाँ पे टोटल मैंने 6 फील्ड लिए हुए हैं, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, ज्वाइन डेट है, जेंडर है, एड्रेस है और अब मोबाइल है, राइट। और साथ में अगर डेटा देखे तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 रिकॉर्ड अभी तक ऐड करवाए हुए हैं, जो कि मैंने पहले मैं करवा चुका हूँ, राइट। सो अब मुझे कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो कैसे कनेक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, सिंपल, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, राइट, आपको बस स्टेप फॉलो करना है, राइट। सो बिफोर टू स्टार्ट मैं इस फॉर्म को ईडीओ कोड सेलेक्ट कर देता हूँ स्टार्टअप ऑब्जेक्ट। सो
अगली बार यही रन होगा। ओके फाइन। सो आपको एडीओ से बाउंड अनबाउंड कनेक्टिविटी करनी है, सो बेसिकली आपको एक रेफरेंस ऐड करवाना पड़ेगा। स्टेप नंबर वन क्या करना पड़ेगा, आपको एक रेफरेंस ऐड करवाना पड़ेगा। कौन सा रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा, सो इसके लिए जाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट ActiveX डेटाबेस डेटा ऑब्जेक्ट वॉट एवर कोई भी ले सकते हैं आप, राइट 2.1 2.2 में यहाँ पे चलो 2.5 ही सिलेक्ट कर देता हूँ, सॉरी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो विच वन, कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट में भी 2.1 नेम कॉन्फ्लिक्ट विद द एग्जिस्टिंग मॉड्यूल प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, क्या है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। दिक्कत क्यों आ रही है हमें, टू पॉइंट एट में भी सेम प्रॉब्लम है, वॉट इज बेसिकली प्रॉब्लम इज, चलो एक बार मैं थोड़ा इसको डीम सी एन एज, ये तो रेफरेंस एड ऑलरेडी आ गया है, पता नहीं कैसे आया है वो मुझे पता नहीं है, डजंट मैटर देख लेते हैं। चलो ऑलरेडी ये रेफरेंस एड हो चुका है, अब कैसे एड हो चुका है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। यस ये ऑब्जेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट 2.0 लाइब्रेरी, ये ऑलरेडी ऐड है मेरे में, राइट आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो आपको अगर ये टिक मार्क नहीं है तो आपको ये टिक मार्क कर देना है, ठीक है। ओके जनरली आपके पीसी में ये नहीं होगा, सो आपको ये काम करना है, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, सो उसके बाद सारा कुछ काम बहुत ही सिंपल तरीके से हमें आगे बढ़ना है, कैसे क्या तो वो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि कनेक्टिविटी परफॉर्म कहाँ पे करेंगे, जैसे ही फॉर्म लोड होगा कनेक्टिविटी यहाँ पे फॉर्म लोड इवेंट पे करनी पड़ेगी, मतलब कि आपका जैसे ही फॉर्म लोड होता है आपका विजुअल बेसिक जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। और सो हमें यहाँ पे दो वेरिएबल लेने हैं, वैसे मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि मैंने आपको DAO एंड RDO ये दोनों की अनबाउंड कनेक्टिविटी करके दिखाई थी, ठीक है ना। एक्चुअली मैं DAO आपको करवाया था, फिर मैंने DAO को कॉपी करके RDO में कुछ जरूरी चेंजेस किए थे, राइट और रॉन्ग, यस और नो। सो वही मैं अगर DAO का कोड यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं तो वो वर्क करेगा, डजंट मैटर, कुछ लिटिल बिट चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज ऑल आर सेम, राइट। बट मैं यहाँ पे नए सिरे से आपको क्यों सिखा रहा हूं, राइट इसीलिए सिखा रहा हूं कि अगर आपको पहले वाले में अच्छी तरह से पता नहीं चला है तो इस बार आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, सो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। आपको यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन करने हैं, एक वेरिएबल आपका होगा कनेक्शन के लिए, जैसे हम DAO में DB करके वेरिएबल लेते थे, यहाँ पे मैं CN करके कनेक्शन के लिए CN वेरिएबल ले रहा हूं। एज कैसा लेना है, सो ADODB डॉट अ कनेक्शन पहला वेरिएबल आपका, ये आपका कनेक्शन के लिए वेरिएबल बन गया। आपको एक रिकॉर्ड सेट लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पर भी रिकॉर्ड सेट ही है, सो RSS, लेकिन रिकॉर्ड सेट किसका, सो ADODB डॉट रिकॉर्ड सेट, ADODB का आपको रिकॉर्ड सेट। ADODB क्या है, ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट डेटाबेस, राइट, उसके ये यूज करके आपको ये काम करना है। अब ये ADODB डॉट कनेक्शन आपने देखा, मैंने यहाँ पे ADODB लिखता हूँ और डॉट करता हूँ कनेक्शन आ जाता है, ये कब आएगा, जब आपने ये मैंने बोला वो रेफरेंस ऐड करवाया होगा, ये रेफरेंस अगर आपने ऐड नहीं करवाया है माइक्रोसॉफ्ट ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट 2.0 लाइब्रेरी ये, तो ये काम आप नहीं कर सकते, आपको रन टाइम एरर जनरेट हो सकती है, राइट। सो रन करता हूं मैं, डजंट मैटर, अब तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके फाइन। मतलब अब मुझे क्या करना है,
तो अब जब ये फॉर्म लोड होता है तो यहाँ पे कनेक्शन मुझे एस्टैब्लिश करना है डेटाबेस के साथ। अब डेटाबेस के साथ अगर आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? सो इसके लिए बेसिकली आपको यहाँ पे लिखना है सेट cn इक्वल टू न्यू edodb डॉट कनेक्शन डॉट कनेक्शन। ये लाइन आपको याद रखनी है। इन बिटवीन यहां पे आपको बहुत सारा कुछ लिखना है। कनेक्शन को सेट करने के लिखना है सेट cn इक्वल टू न्यू कीवर्ड से आपको लिखना है edodb डॉट कनेक्शन। अब यहां पे आपको क्या करना है सो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे सी जैसे ही आप ऐसे यहां पे ब्रैकेट करते हैं तो यहां पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? कनेक्शन स्ट्रिंग। सो अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग बहुत लंबी है, या तो आप लिख भी सकते हैं, अगर आपको लिखनी नहीं है तो कॉपी करके आपको यहां पे पेस्ट करनी है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सेट सी एन इक्वल टू न्यू edodb डॉट कनेक्शन। ओके नहीं सॉरी, यहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग आपको नहीं देनी है, न्यू edodb डॉट कनेक्शन। फिर इसके बाद आपको कनेक्शन को ओपन करने के लिए लिखना है cn डॉट ओपन। यहां पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है cn डॉट ओपन। यहां पे आपको क्या करना है? कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है। सी यहां पे मतलब कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहां पे हम कहां से लाएंगे? तो बेसिकली कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको लिखने आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे आपको पता है कि मुझे किस डेटाबेस से काम करना है। सो एक काम कर टेम्पररी आप एक काम कर सकते हैं, टेम्पररी यहां से ये जो edodc कंट्रोल है आप ले सकते हैं टेम्पररी। फिर आपको क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टी में जाना है, फिर आपको यहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। कनेक्शन स्ट्रिंग पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, फिर भी स्टेप देख लीजिए आप। मुझे लेक्चर नंबर कौन सा लेक्चर में जाना है भाई? लेक्चर नंबर 43 में ये जो डेटाबेस उसको सिलेक्ट करना है। टेस्ट कनेक्शन सक्सीड अगर हो जाता है तो बस ओके करके फिर मुझे प्रोवाइडर में वापस आना, सॉरी कनेक्शन करके मुझे ओके कर देना है। अब आप देखेंगे तो यहां पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग बन जाएगी जिसको आपको बस कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी, और फिर आप ओके या कैंसिल कर सकते हैं, डजंट मैटर राइट। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहां पे आपको पेस्ट कर देनी है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे आई। या तो आप ऐसा लिख भी सकते हैं सी प्रोवाइडर इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट जेट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आपको यहां पे क्या करना है, आपका पाथ देना है डेटाबेस का, और फिर आपको क्या करना है, आपको यहां पे परसिस्टेंट सिक्योरिटी इन्फो इक्वल टू फॉल्स, इतना आपको लिखना है राइट। पूरा पाथ देने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप ऐसे यहां पे ऐसे अगर पाथ देते हैं तो अगर इसकी कॉपी कोई दूसरी ड्राइव में करते हैं, मान लो कि डी ड्राइव में से आप ई ड्राइव में ले जाते हैं, तो फिर आपको यहां पे पाथ चेंज करना पड़ेगा। तो अगर इसको ऐसा ना करना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। सी पाथ को रिमूव कर दीजिए, ये जो मैंने रखा है उतना ही रखिए। फिर आपको स्ट्रिंग को यहां पे पूरी करना है, फिर बाद में आपको यहां पे लिखना है app डॉट पाथ राइट। फिर आपको क्या करना है, एम पर्सन करना है, और फिर आपको ऐसे इसको ज्वाइन कर देना है, डजंट मैटर, ये आप कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। एपीपी डॉट पाथ मतलब उसका मतलब ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन जहां से रन होती है वो पाथ यहां पे आ जाएगा। मैं आपको एक बार ब्रेक पॉइंट रख के दिखा देता हूं। उसी हो गया, ओके फाइन। अब जरा आप देख लीजिए एपीपी डॉट पाथ में आपको क्या मिल रहा है, डी ड्राइव वीबी एग्जाम्पल लेक्चर नंबर 43 राइट। मतलब कि मेरा प्रोजेक्ट जहां पर सेव हो रहा है वही पाथ मुझे मिल रहा है, वहीं पर मैंने डेटाबेस को रखा है राइट। सो अगर मान लो कि वो फोल्डर, ये लेक्चर नंबर 43 वाला फोल्डर उठा के आप ई ड्राइव में ले जाएंगे तो पाथ तो वही रहेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूं, चलो आगे बढ़ता हूं। कोई एरर जनरेट नहीं हो रही है, मतलब मेरा कनेक्शन हो गया सक्सेसफुली, ये लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, मतलब कि आपका कनेक्शन डेटाबेस के साथ सक्सेसफुली हो चुका है। समझ गए बात? ओके, मैं इसको सेव कर देता हूं जस्ट लेक्चर नंबर 43 में, और मैं विजुअल बेसिक को क्लोज कर देता हूं राइट।
अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको एक जो मैंने बोला था वही मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 42 को, 23 को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, कट करके मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट कर रहा हूँ अभी। तो ये लेक्चर मेरा डेस्कटॉप पे आ गया, राइट। अब डेस्कटॉप जो हमारा होता है उसका पाथ तो आपको पता है, सी ड्राइव लगा होगा, राइट। डेस्कटॉप का जो पाथ होता है वो कौन सा होता है हमारा, सी ड्राइव वाला पाथ होता है। सी सी ड्राइव यूजर स्टूडेंट डेस्कटॉप सो एंड सो, फिर डेटाबेस का नाम आएगा, राइट। सो मैं यहां से अब इसको रन करता हूं, ध्यान से देखिए आप, राइट। और अब मैं यहां पे रन कर रहा हूं, सॉरी, दो विजुअल बेसिक ओपन हो गए हैं, समथिंग प्रॉब्लम, डजेंट मैटर, वी विल स्टार्ट अगेन इट। तो यहां पे मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं और मैं इसको रन करता हूं, आप देखिए देर इज नो एरर। यहां पे मैं ब्रेक पॉइंट रखता हूं और फिर आपको दिखा देता हूं। तो आप देखिए एपीपी डॉट पाथ में क्या मिल रहा है, सी ड्राइव यूजर स्टूडेंट डेस्कटॉप। मतलब कि आप अगर मेरा यही फोल्डर मैं जब गूगल ड्राइव में आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा और आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर में ये जो कोड है इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली आप समझ गए मेरी बात को, राइट। पहला काम हमें क्या करना है भाई, पहला काम करना है हमें दो वेरिएबल लेने हैं, एक कनेक्शन के लिए, दूसरा रिकॉर्ड सेट के लिए। अब रिकॉर्ड सेट का क्या काम है वो तो आपको पता है, जो काम हम डीओ में करते थे वही काम यहां पे हमें करना है। सो फॉर्म की लोड इवेंट पे सबसे पहले हमें कनेक्शन बनाना है, इसके लिए हम लिखेंगे सेट सी एन इक्वल टू न्यू एडीओ डीबी डॉट कनेक्शन। उसके बाद में कनेक्शन को हमें ओपन करना है, राइट। ओपन, सो उसके लिए कनेक्शन की एक मेथड है ओपन, इन बिटवीन यू हैव टू पास दी कनेक्शन स्ट्रिंग। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से लानी है वो मैंने आपको दिखा दिया है, बस। अब ये कंट्रोल का हमें कोई काम नहीं है, जस्ट रिमूव इट, डजंट मैटर, राइट। हमें ये कनेक्शन स्ट्रिंग याद ना रखनी पड़े, इसीलिए मैंने ये शॉर्टकट आपको बताया, बस। फिर आपको क्या करना है यहां पे, तो यहां पे आपको आपका जो रिकॉर्ड सेट है, राइट, उसको सेट करवाना है। मतलब सेट, राइट, आरएस इक्वल टू सी एन डॉट एग्जीक्यूट, कनेक्शन में से एक एग्जीक्यूट मेथड का यूज कर सकते हैं और यहां पे आप क्वेरीफायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल, कौन सा टेबल था अभी, ईएमपी था, सो ईएमपी देख लेते हैं रन करके, राइट। यही काम आपको करना है यहाँ पे, देखते हैं क्या काम होता है कि नहीं होता है, कि मैंने थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है तो। यस, कनेक्शन आपका, रिकॉर्ड सेट आपका ओपन हो रहा है, एक वे ये है, राइट। दूसरा भी ऑप्शन है मेरे ख्याल से, जस्ट वन मिनट, सेट आर एस इक्वल टू, राइट, न्यू मे बी एडीओ डीबी डॉट रिकॉर्ड सेट, राइट, आर एस डॉट ओपन, राइट। और यहां पे आपको क्वेरीफायर करनी है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल ईएमपी, राइट। और यहां पे आपको आपका कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करना है सीएन, राइट। जो आपका कर्सर है वो आपको रखना है यहाँ पे डायनेमिक, जस्ट अ मिनट, क्या करना है, ईडी ओपन डायनेमिक, और जो आपका लॉक है वो आपको ऑप्टिमिस्टिक रखना है, क्या रखना है, लॉक ऑप्टिमिस्टिक रखना है, बस। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सही रहेगा, मे बी आर एस इक्वल टू करके देना पड़ेगा, डजेंट मैटर, ओके फाइन। तो अब इसको आप हटा सकते हैं, समथिंग कनेक्शन डॉट ओपन और वॉट, कुछ प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट,
मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं मैंने वीबी कनेक्शन में काम किया था, तो आपको ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं ओपन करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। राइट, कनेक्शन ठीक है। और रिकॉर्ड सेट में मैं क्या कर रहा हूँ, यह सेट आर एस इक्वल न्यू एडिटेबल रिकॉर्ड सेट आर एस डॉट ओपन एस टी आर कनेक्शन। ओके फाइन, डजेंट मैटर, वही है। तो गलती कहाँ है? गलती तो यस, गलती यही है, ब्रैकेट नहीं करना है बस, ये हमारी गलती है। और आगे से ये हटा देना है, ये आपका रिकॉर्ड सेट ओपन हो गया। राइट, बस। तो पहली दो लाइन कनेक्शन के लिए और दूसरी आपकी जो दो लाइन है वो है रिकॉर्ड सेट के लिए। जैसे ही आपका रिकॉर्ड सेट प्रॉपरली सेट हो जाता है, उसके बाद आपको जो कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन प्रोसीजर बना रहा हूँ, प्राइवेट सब फील्ड डेटा। अब ये फील्ड डेटा का काम क्या है? अरे यार, राइट, फील्ड डेटा। अब फील्ड डेटा का काम क्या है? तो जैसे ये रिकॉर्ड सेट सेट हो जाएगा, उसके बाद में ये फील्ड डेटा वाली मेथड कॉल करवा दूंगा। अब ये फील्ड डेटा क्या करेगा? राइट, सो जो फील्ड डेटा है वो जो आपका टीएक्सटी टेक्स्ट बॉक्सेस है सारे, राइट, टीएक्सटी आईडी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आपका रिकॉर्ड सेट डॉट उसका जो भी फील्ड है, राइट, वो फील्ड को वो सेट करेगा, जैसे कि हमने डीओए में ये काम किया था। तो बस इसको हम कॉपी कर देते हैं, पेस्ट पेस्ट। छह फील्ड है हमारे टोटल, सो मैं यहाँ पे छह लाइन कॉपी कर देता हूँ, बाद में हम उसको प्रॉपरली सेट करवा देते हैं। कब करना है? यस, इफ कंडीशन रखनी है नहीं रखनी है वो आप रख सकते हैं, राइट। कब करना है वो आपको पता होना चाहिए, वैसे जो कि काम मैंने डीओए में किया था। सो पहला नंबर का फील्ड, सबसे पहले डेटाबेज एक बार देख लो भाई, विदाउट डेटाबेज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि फील्ड आपको पता होना चाहिए। सो डेटाबेस हमारा, उसमें आपको पता है कि भाई जीरो नंबर का जो फील्ड है, जीरो नंबर का फील्ड ईएमपी आईडी बोलते हैं, वन नंबर का फील्ड ईएमपी नेम है, टू नंबर का फील्ड डेट है, थ्री नंबर में जेंडर आता है यस और नो, फोर नंबर में एड्रेस है, और फिफ्थ नंबर में मोबाइल है। सो हमें थोड़ा यहाँ पे वो करना पड़ेगा, जीरो नंबर आईडी में जाना चाहिए, यस फाइन। वन नंबर किस में जाना चाहिए भाई? टीएक्सटी नेम में जाना चाहिए, राइट। ये थ्री नंबर कहाँ पे जाना चाहिए? तो इसके लिए हमने ले रखी है डीटीपी ज्वाइन डेट, राइट डॉट, आई थिंक सो उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी होगी मेरे ख्याल से, यस डॉट वैल्यू इक्वल टू आर एस डॉट फील्ड टू। अब यहां पे थोड़ा हमें चेक करना पड़ेगा, कंडीशन एक लिखनी पड़ेगी, सी कौन सी कैसे, सी लाइक दिस, इफ आर एस डॉट फील्ड, कौन सा फील्ड नंबर भाई? थ्री नंबर का फील्ड, जहां से हमें क्या मिलेगा, आइदर मेल और फीमेल, इक्वल टू मेल, अगर इसमें मेल है, राइट, अगर हमें मेल मिलता है देन हमें क्या करना पड़ेगा, सो ओपीटी हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन मेल डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू करनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू को ट्रू कर देना है, अदरवाइज हमें क्या करना है, फीमेल को ट्रू करना है, दोनों में से कोई एक की वैल्यू ट्रू हो सकती है, सो इसको हम ट्रू कर देते हैं, फाइन। अब समझ में आ गई बात मेरी? सो ये बात हुई हमारे फील्ड नंबर थ्री के लिए, राइट। अब फोर्थ नंबर का जो फील्ड है वो जाएगा एड्रेस में, और हमारा फिफ्थ नंबर का जो फील्ड है वो जाएगा है मोबाइल में, दैट मींस यहां पे आएगा टीएक्सटी एड्रेस और यहां पे आएगा टीएक्सटी अ मोबाइल, ठीक है। चलो देख लेते हैं, क्लियर। पहला रिकॉर्ड यहां पे प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? ओके, अब हमें क्या करना है भाई? तो
तो अब हमें बटन लेने हैं, कितने बटन लेने हैं आपको? पहले चार बटन लेने हैं आपको, राइट। किसके क्यों लेने हैं? तो नेविगेशन के लिए आपको जाना है। सो नेविगेशन के लिए आपको चार बटन चाहिए, कौन कौन से चाहिए वो भी यहां पे मैं ले लेता हूं फटाफट। सो पहला बटन जो हमारा है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट, राइट। सेकंड बटन जो हमारा होगा वो होगा नेक्स्ट के लिए और प्रीवियस के लिए। ये जो हमारा बटन होगा वो नेक्स्ट प्रीवियस वॉट एवर, और ये जो हमारा बटन होगा वो हम लास्ट के लिए रखते हैं। चलो ये लास्ट रिकॉर्ड, ये कौन सा रिकॉर्ड, हम नेक्स्ट जाना या प्रीवियस? चलो यहां पे प्रीवियस रखते हैं, डजंट मैटर, प्रीवियस प्रीवियस। और यहां पे हम चलते हैं नेक्स्ट के लिए भाई, ठीक है। सबके प्रॉपर नेम दे देते हैं हम। ये है हमारा सीएमडी फर्स्ट, ये है हमारा सीएमडी नेक्स्ट, ये है हमारा सीएमडी प्रीवियस, और ये है हमारा सीएमडी लास्ट। ओके, फर्स्ट पे क्या करना है अभी? तो आपका रिकॉर्ड सेट है उसको क्या करना है, मूव फर्स्ट पे ले जाना है, और फिर आपको क्या करना है, फिल डेटा नाम की मेथड को कॉल करवा देना है। मैं यहां पे कोई इफ कंडीशन अभी लेता नहीं हूं, वो आप डीओए में जाके चेक कर सकते हैं। या रन टाइम एरर जनरेट होगी, क्योंकि अगर एक भी रिकॉर्ड नहीं है आगे चला जाएगा तो रन टाइम एरर तो 100% आएगी। तो अभी मैं यहाँ पे इफ कंडीशन वगैरह कुछ नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैंने वो जो हमारा डीओ वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको सारा राइट वैलिडेशन के साथ सारा कुछ समझा दिया है, तो यहाँ पे मैं वो नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। ओके, क्योंकि टाइम ज्यादा जाता है। सॉरी, मैंने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है, चलो मूव फर्स्ट किया है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड सेट को मूव नेक्स्ट पे ले जाना है, राइट। और फिर मुझे फिल डेटा नाम की मेथड को कॉल करवा देना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रीवियस में मुझे क्या करना है, तो रिकॉर्ड सेट को मूव प्रीवियस करवाना है आपको, और फिर अगेन फिल डेटा, ठीक है। और वैसे ही लास्ट में रिकॉर्ड सेट को आपको ले जाना है, उसका पॉइंटर को ले जाना है मूव लास्ट पे, राइट। और अगेन फिल, अब फिल डेटा मेथड कैसे काम करती है वो आपको पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो देख लेते हैं एक बार। चलो ये लास्ट, नेक्स्ट नहीं है, सो रन टाइम एरर, क्योंकि आपका सी अब नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट होगा, लेकिन अब रिकॉर्ड पॉइंटर कहां पे जाएगा भाई, एंड ऑफ फाइल चला जाएगा ना, तो एरर जनरेट हो रही है सी, आइदर बीओएफ और यूएफ हिस्ट्री और द करंट रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड व्हाट एवर व्हाट सो एवर। समझ में आ गई मेरी बात? वैसे ही ये काम होगा प्रीवियस हो गए, अभी आप प्रीवियस नेक्स्ट नेक्स्ट अभी प्रीवियस जा पाएंगे, लेकिन अब प्रीवियस जाएंगे तो रिकॉर्ड पॉइंटर आपका क्या हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल, आपको पता है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं डीओए में, तो यहां पे एरर जनरेट होगी। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट लास्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। फर्स्ट लास्ट में एरर कब आ सकती है, तभी आ सकती है जब आपके डेटाबेस में एक भी रिकॉर्ड ना हो, राइट। उस केस में फर्स्ट और लास्ट में भी रन टाइम एरर आने की पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गई मेरी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर? देखिए आप नेक्स्ट, तो यहां पे फीमेल भी ऑटोमेटिक आ जाता है, नेक्स्ट मेल, कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके फाइन, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें रिकॉर्ड को ऐड करवाना है, तो इसी फ्रेम को मैं कॉपी कर देता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं, राइट। सो मैं यहां पे लिखता हूं ऐड, यहां पे लिखता हूं मैं सेव, यहां पे लिखता हूं मैं एडिट, और यहां पे मैं लिख दूंगा डिलीट। सो हम इतना काम कर सकते हैं। सो इस बटन का नाम देते हैं सीएमडी एड, इसका नाम हम देते हैं सीएमडी सेव, इसका नाम देते हैं सीएमडी एडिट, और इसका नाम हम देते हैं सीएमडी व्हाट डिलीट। फाइन, कोई दिक्कत है भाई?
ओके जो सेव नाम वाला आपका बटन है उसको बाय डिफॉल्ट इनेबल्स क्या करना है आपको, फॉल्स कर देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब जब आप ऐड पे क्लिक करते हैं क्या होना चाहिए, तो जब आप ऐड पे क्लिक करते हैं रिकॉर्ड सेट के अंदर एक बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक रिकॉर्ड आपको ऐड करवा देना है। फिर आपको सारे टेक्स्ट बॉक्स जो है आपका टीएक्सटी एम्प्लॉय आईडी डॉट टेक्स्ट राइट इक्वल टू उसको सबको एम्प्टी कर देना है। टीएक्सटी नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू उसको भी एम्प्टी कर देना है राइट। देन टीएक्सटी एड्रेस डॉट टेक्स्ट इसको भी एम्प्टी कर देना है। देन टीएक्सटी मोबाइल बाकी को आपको टच करने की कोई जरूरत नहीं है, इस सबको आपने एम्प्टी कर दिया, ये एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सो आपको टीएक्सटी आईडी जो आपका है ईमेल आईडी सॉरी ईएमपी आईडी वहां पे आपको फोकस सेट करवा देना है, जो कि हमने हम लोग डीएओ और आरडीओ में हम लोग करवा चुके हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए फ्रेंड राइट। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, जो हमारा बटन है यानी कि सीएमडी ऐड राइट इसको मैं डिसेबल कर देता हूं, मतलब कि उसको इनेबल इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं फॉल्स कर दूंगा। और हमारा जो सेव बटन है सीएमडी सेव बटन उसको मैं इनेबल इक्वल टू क्या कर दे रहा हूं ट्रू कर देता हूं फाइन। इतना काम मुझे यहां पे करना है। जब मैं सेव पे क्लिक करता हूं तब क्या होना चाहिए, सो मैं जब सेव पे क्लिक करता हूं राइट तो मुझे सबसे पहले आरएस डॉट फील्ड कौन सा फील्ड है, जीरो नंबर का फील्ड है, वहां पे मुझे वैल्यू लानी है, कहां से लानी है तो टीएक्सटी ईएमपी आईडी डॉट टेक्स्ट में से लानी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस। यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सब खाली नहीं होने चाहिए, तो वो कंडीशन इफ कंडीशन वगैरह आपको लगानी पड़ेगी, जो कि मैंने डीओ वाले एग्जाम्पल में बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये समझाया था ठीक है। देन आर एस डॉट मैं कॉपी कर देता हूँ, चलो बार बार क्यों परेशान, एक एक ये सब बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सो सेकंड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन और ये सिक्स नंबर, वन नंबर का डेट, वन नंबर के लिए डेटा कहाँ से आएगा भाई, तो आपको पता है नेम में से आएगा, सो मैं नेम ले लेता हूँ। टू नंबर का डेटा कहाँ से आएगा भाई, तो इसके लिए आपको डीटीपी राइट फाइन DTP डेट ऑन टाइम पिकर ज्वाइन डेट डज उसकी वैल्यू लेनी है आपको। अब इसका डेटा कहां से आएगा, तो इसके लिए आपको कंडीशन रखनी पड़ेगी फिर कैसे, इफ OPT मेल और फीमेल वॉट एवर डॉट वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, मेल को सिलेक्ट किया हुआ है, तो x इक्वल टू आप टेम्पररी यहां पे लिखवा दीजिए मेल राइट। else केस में x नाम के कोई वेरिएबल में आप स्टोर करवा दीजिए क्या, फीमेल स्टोर करवा दीजिए। जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट करके आप जब बाहर निकलेंगे तो आपके जो वेरिएबल है x उसमें आइदर मेल होगा या तो फीमेल होगा, क्या होगा आइदर मेल और फीमेल, अब जो भी होगा वो यहां पे डाल दीजिए भाई। कौन से फील्ड में, फील्ड नंबर थ्री में, क्योंकि फील्ड नंबर थ्री में क्या जाने वाला है, या तो मेल जाएगा या तो फीमेल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, ये फील्ड नंबर फोर और ये फील्ड नंबर आपका फाइव। फील्ड नंबर फोर में क्या जाएगा भाई, सो आपका टीएक्सटी एड्रेस डॉट टेक्स्ट जाएगा, और फील्ड नंबर फाइव में क्या जाएगा भाई आपका, सो आपका टीएक्सटी मोबाइल डॉट टेक्स्ट जाएगा। अब समझ में आ गई बात, ये सारी वैल्यू उस जो ब्लैंक रिकॉर्ड आपने जो इंसर्ट करवाया है उसमें स्टोर होगी, समझ में आ रही है बात, वो ब्लैंक रिकॉर्ड में ये सारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आर एस डॉट वॉट एवर जो भी मेथड है, सेव मेथड है यहाँ पे, आरडीओ और डीओ में आपको पता है अपडेट मेथड थी, यहाँ पे सेव मेथड है, सो जस्ट आपको सेव करवा देना है। अब सेव हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, एमएसटी बॉक्स राइट एक सिंपल मैसेज, रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यही आपको काम करना है।
समझ में आ गई मेरी बात? जब मैसेज ये काम हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपका जो बटन है सेव वाला, सीएमडी सेव डॉट इनेबल इक्वल टू, उसको फॉल्स कर देना है। और जो ऐड बटन है सीएमडी ऐड डॉट इनेबल इक्वल टू, उसको ट्रू करना है। समझ में आ गई बात? राइट, जो वही काम किया था हमने आरडीओ और डीओ में, आपको पता है। ओके चलो देख लेते हैं एक बार। चलो नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, रिकॉर्ड नंबर 4। राइट, नेम देना है नैलेश चौधरी, ज्वाइनिंग डेट जो भी आपको देनी है, फॉर एग्जाम्पल 1 अक्टूबर। राइट, मेल है, एड्रेस जो कुछ भी देना है 10। राइट, शिव सोसाइटी, राइट दिशा, वॉट एवर, मोबाइल नंबर भी आप दे दो। राइट, और फिर आपको इसको सेव कर देना है। रन टाइम एरर आ रही है, कांट सेव। अब कहां से क्या आ रही है उसको देखना पड़ेगा। आर एस डॉट सेव में कुछ प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। चलो यहां पे 4 मिल रहा है, यहां पे नैलेश चौधरी मिला है, डेट ऑफ, यहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। आई थिंक सो, मे बी। तो वैल्यू ही रखते और यहां पे मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा देता हूँ। चलो देखते क्या होता है। राइट, कांट सेव, रीजन क्या है? कुछ तो प्रॉब्लम है भाई, सेव हो जाना चाहिए भाई। कि अपडेट ही मेथड है, पता नहीं भाई, अपडेट है तो बेटर है। यस, अपडेट मेथड है ना भाई हमारे पास। चलो इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, सेव मेथड अगर काम नहीं कर। यस फाइन, रिकॉर्ड आपका अपडेट हो चुका है। राइट, सो आप जैसे ही जब कोई रियल टाइम आप इंप्लीमेंट करते हैं तो ऐसी दिक्कतें आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? मेरे पास यहाँ पे कोई कागज नहीं है, मैं आपको रियल टाइम इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं। मतलब कि अगर मैं जो एरर फेस कर रहा हूं वो एरर आपको भी दिखेगी, और मैं उस एरर का सॉल्यूशन कैसे लाता हूं वो भी आपको पता चलता है। राइट, सो ये समझने की जरूरत है। चलो फर्स्ट रिकॉर्ड 1, लास्ट रिकॉर्ड आप देख रहे हैं 4 नंबर का। तो ऐड वाला काम हो गया, अब एडिट वाला काम हमें करना है। अब एडिट वाला काम कैसे कर सकते हैं? तो एडिट के लिए आपको क्या करना है भाई? तो एडिट के लिए यहां पे ज्यादा कुछ करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। एडिट के लिए बस आपको जो भी करंट रिकॉर्ड है वहां पे उसका जो एम्प्लॉय आईडी है वहां पे फोकस को सेट कर लेना है बस। ये आपका फोकस सेट हो गया, नंबर 1। दूसरा, बटन को जो आपका एडिट बटन है डॉट इनेबल इक्वल, उसको फॉल्स कर दो। अब ये वैसे ये इनेबल ट्रू फॉल्स करने की भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन बार बार वो बटन, एक बार हमने मान लो कि एडिट बटन प्रेस किया तो वो इनेबल होगा, तो फिर से भी हम एडिट बटन को प्रेस कर सकते हैं, तो वो ना कर हो सके, इसीलिए हम ये सब काम करते हैं। राइट, थोड़ा काम हमारा प्रोफेशनल लगे। राइट, सो सेव इक्वल टू, हमें क्या करना है अगेन, उसको ट्रू कर देना है, बस काम हो गया। इसमें एडिट मोड में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एडिट मोड में ही काम करता है। समझ में आ गई मेरी बात? राइट, फिर हमें क्या करना है, यहां पे एडिट तो हो गया, सेव करने के लिए वही बस, यहां पे एक काम और करना पड़ेगा आपको, सीएमडी सेव सॉरी एडिट कट इनेबल इक्वल टू, उसको ट्रू करना पड़ेगा बस। बाकी का काम एज इट इज, कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, ये ही काम करेगा। कैसे देख लेते हैं। चलो चलो, कौन सा रिकॉर्ड आपको एडिट करना है? इसका एड्रेस प्रॉपर नहीं है, दैनिक वाला है, चलो एडिट कर देते हैं।
अरे रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड कैसे आ गया भाई, कुछ दिक्कत आ रही है। चलो देख लेते हैं, चलो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। टी एक्स टी ई एम पी आई डी एस, ये सेव वाला है ना, यहाँ पे मैंने इनेबल नहीं लिया है, बस ये दिक्कत आती है। सो अगर डायरेक्टली आप सेव इक्वल टू ट्रू कर देते हैं ना, तो फिर वो जो हमारा सेव वाला बटन है ना, उसकी इवेंट एग्जीक्यूट हो जाती है डायरेक्टली, राइट। ओके फाइन, चलो इसको हम एडिट करते हैं, ये सब चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। ओके चलो मैं एड्रेस प्रॉपरली चेंज इसका सेट कर देता हूँ, राइट। एट कोई भी गाम रामपुरा ले लेते हैं, ये भाई जो है वो इडर का है तो इडर ले लेते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे हम ले लेते हैं एस के साबरकांठा। मोबाइल नंबर प्रॉपरली है, ये थोड़ा 9 कर देते हैं बेहतरीन लगेगा, फिर हम उसको सेव कर देते हैं। रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, लास्ट रिकॉर्ड है आपका, फर्स्ट रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड आपका अपडेट हो चुका है अच्छी तरह से। समझ में आ गई मेरी बात, कोई दिक्कत? कोई भी रिकॉर्ड को आप एडिट कर सकते हैं, जो भी चेंज करना है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये फीमेल है, दिक्कत ये है कि इसका नाम राजेश है, तो इसको एडिट कर देते हैं, राइट, नाम बदल देते हैं, राजश्री कर देते हैं, फिर उसको सेव कर देते हैं। सो लास्ट फर्स्ट सॉरी, ये बीओएफ वाला हमने जो नहीं दिया है, राजश्री, राइट, नरेश, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अभी? कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? अब हमें क्या करना है, डिलीट वाले बटन पे काम करना है। तो डिलीट जब आप करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यू हैव टू आस्क, राइट। सो आपको मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट का, मैसेज बॉक्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा कि आर यू श्योर टू डिलीट रिकॉर्ड, ये आपको पूछना पड़ेगा अभी, राइट। फिर आपको दो बटन लेने पड़ेंगे, कौन से, वी बी यस नो और वी बी क्वेश्चन करके आपको एक आइकॉन लेना पड़ेगा उसका। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्स में आएगा, आपने यस प्रेस करेगा आप करोगे तो एक्स में वैल्यू आएगी 6, और नो प्रेस करोगे तो एक्स में वैल्यू आएगी 7। उसको आप वी बी यस या तो वी बी नो से भी एक्सेस कर सकते हो। अब अगर यहां पे मैं लिखता हूं इफ एक्स इक्वल टू वी बी यस, वी बी यस, मानो कि यस पे क्लिक हुई है, देन इस केस में मुझे यहां पे जो भी करंट रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर देना है। डिलीट हो जाए उसके बाद मुझे मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवाना है, राइट, रिकॉर्ड डिलीटेड में सिंपल मैसेज ही यहां पे डिस्प्ले करवाना हो, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो एल्स केस में मुझे जाना है, राइट। सॉरी, मैसेज जब डिस्प्ले हो जाता है इसके बाद मुझे रिकॉर्ड पॉइंटर को कहां पे ले जाना है, फर्स्ट पे ले जाना है, मूव फर्स्ट पे चला जाएगा, राइट। और फिर मुझे यहां पे क्या करना है, फिल डेटा कर देना है तो डेटा लेटेस्ट हमारा आ जाए। एल्स केस में हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, एल्स केस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, राइट। सो जस्ट यहां पे एंड इफ, मतलब कि ये काम कब करना है, जब हम यहां पे यस बटन पे क्लिक हुआ हो, राइट। चलो देख लेते हैं भाई, लास्ट रिकॉर्ड डिलीट, आर यू श्योर टू डिलीट द रिकॉर्ड, नो भाई मुझे नहीं करना है, फर्स्ट लास्ट आप देख सकते हैं यहां पे। चलो मुझे ये थर्ड नंबर का जो रिकॉर्ड है उसको रिमूव करना है, डिलीट, आर यू श्योर टू, यस, रिकॉर्ड डिलीटेड। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं रिकॉर्ड पॉइंटर फर्स्ट पे चला जाएगा और फिर फिल डेटा कॉल होगी, मतलब पहला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है यहां पे। लास्ट फर्स्ट प्रीवियस तो नहीं होगा क्योंकि पहला रिकॉर्ड है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? ओके चलो इसको मैं सेव कर देता हूं, मैं फिर से डेटाबेस में जाता हूं, दिखा देता हूं आपको। चार रिकॉर्ड वैसे हमने इंसर्ट किए थे लेकिन जो हमारा थर्ड रिकॉर्ड था वो हम उसको रिमूव कर चुके हैं, सो मैं इसको थर्ड बना देता हूं अब। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गई बात?
ओके सो अब अगर आपको ये, तो मैंने आपको एक मेथड समझाई जो कि रिकॉर्ड सर्च से हम ये काम करते हैं। क्या हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट से ऐड करवा सकते हैं? कनेक्शन ऑब्जेक्ट की मदद से क्या हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करवा सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। तो क्या करना पड़ेगा भाई? तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैं यहां पर ही इसको कॉपी कर देता हूं, लेकिन इसमें दिक्कत थोड़ी आएगी भाई। या तो मैं एक काम करता हूं, इसमें मैं नहीं करता हूं, मैं जो लॉगिन वाला जो आपको एग्जांपल दिखाऊंगा ना, उसमें मैं आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी के थ्रू सिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में वही मेरा प्लान है भाई। तो ये तो काम हो गया, राइट। अब मैं इसको सेव कर देता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो अब मैं यहां से चला जाता हूं प्रीवियस एग्जाम्पल में, जो कि हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल आई थिंक सो 38 नंबर का लेक्चर था, उसको मैं ओपन कर रहा हूं। सी, अब मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं कोड। देखिए क्या किया मैंने, सॉरी ये नहीं है, 39 में मुझे जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि उसमें मैंने फुल प्रूफ बनाया होगा प्रोजेक्ट। राइट सी, यहां पर भी मैंने वही किया है। मैं आपको क्या करता हूं, थोड़ा कंपैरिजन दिखा देता हूं दोनों का। ये मेरा डीओ वाला एग्जांपल है, ये बड़ा तो रखना ही पड़ेगा अभी, क्या करूं मैं यार। तो इसमें मैंने दो वेरिएबल लिए, आप देख सकते हैं, डीम डीबीएस डेटाबेस आर एस एस रिकॉर्ड सेट। फाइन, यहां पे मैंने क्या किया एडीओ में, तो एडीओ में मैंने वही किया है, दो वेरिएबल लिए हैं CNS EDB डॉट कनेक्शन एंड आर एस इक्वल टू EDUDB डॉट रिकॉर्ड सेट। फाइन, ओके फाइन। फिर एड पे वही आर एस डॉट एड ड्यू, उसमें भी वही किया था। फिर मैंने क्या किया था, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर करवाए थे, यहां पे भी वही किया है। फिर मैंने फोकस सेट करवाया और एड सेव को जो भी हम ट्रू जो इनेबल ट्रू फॉल्स करवाना है वही करवाया। क्लियर, एडिट में हमने क्या करवाया, वही करवाया है, राइट। सिर्फ आर एस डॉट एडिट नाम की मेथड को हमने कॉल नहीं किया है यहां पे। सी देखिए, यहां पे अगर मैं एडिट में चला जाता हूं, राइट, तो यहां पे मैंने डायरेक्टली फोकस सेट करवाया है और ये बटन को इनेबल डिसेबल करवाया है। और यहां पे मैंने क्या किया है, बटन को इनेबल डिसेबल करवाया है, फोकस सेट भी करवाया है, और साथ में मैंने किया था आर एस डॉट एडिट, क्योंकि वहां पे आपको रिकॉर्ड सेट को एडिट मोड में ले जाना था, राइट। एडीओ में एडिट मोड में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडीओ में जो रिकॉर्ड सेट आपका है वो बाय डिफॉल्ट एडिट मोड में ही होता है, राइट। फिर मैंने क्या किया, यहां पे फर्स्ट में क्या किया, मैंने रिकॉर्ड सेट को मूव फर्स्ट किया और सेट डेटा कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस डेफिनेटली। ये काम मैंने नहीं किया, लास्ट में भी ये काम मैंने नहीं किया, बाकी ये दोनों लाइन मैंने लिखी हुई है, राइट, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा है ना। नेक्स्ट में मैंने रिकॉर्ड पॉइंटर को नेक्स्ट में मूव करवाया, फिर मैंने एंड ऑफ फाइल चेक नहीं करवाया है। आप करवा सकते हैं, अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं। मैंने डायरेक्टली मूव करवाया और ये सेट डेटा मेथड कॉल करवाई। अब इसमें क्या हुआ है आपको पता होना चाहिए, जब आप रिकॉर्ड सेट को मूव नेक्स्ट करते हैं तो रिकॉर्ड पॉइंटर आपका एक रिकॉर्ड नेक्स्ट जाता है। अब मान लो कि आपका रिकॉर्ड पॉइंटर अभी लास्ट रिकॉर्ड पे है और फिर भी आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो रिकॉर्ड पॉइंटर क्या करेगा, आर एस डॉट मूव नेक्स्ट करेगा, मतलब कि आपका का रिकॉर्ड पॉइंटर लास्ट रिकॉर्ड से भी आगे चला जाएगा। उसको हम बोलते हैं एंड ऑफ फाइल, वो ट्रू हो जाता है। तो हम यहां पे चेक करवाते हैं, वो रन टाइम एरर जनरेट हो जाती है ना, फिर तो यहां पे हम चेक करवाते हैं इफ आर एस डॉट एंड ऑफ फाइल इक्वल टू ट्रू, अगर वो ट्रू हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवा देते हैं कि भाई ये आप लास्ट रिकॉर्ड पे हैं, और हम क्या करते हैं रिकॉर्ड पॉइंटर को वो एंड ऑफ फाइल से लास्ट पे ले जाते हैं, यानी कि मूव लास्ट, राइट। कब करते हैं, जब ये एंड ऑफ फाइल ट्रू हो जाती है तभी, बाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर आपको सेट डेटा, जो कि मैंने वहां पे फिल डेटा नाम की मेथड बनाई है, यहां पे मैंने सेट डेटा नाम की मेथड बनाई थी, बाकी और कुछ चेंज करने जैसा नहीं है। प्रीवियस में भी एज इट इज, आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, राइट, वही मैंने काम किया हुआ है। सेव पे, यस, मैंने सबसे पहले ये कंडीशन रखी है कि एक भी जो आपका टेक्स्ट बॉक्स वगैरह जो मुझे खाली नहीं होना चाहिए, अगर खाली है तो प्रॉपरली मैसेज आना चाहिए, राइट, कि भी फिल डिटेल्स। उसके बाद वही काम मैंने किया है यहां पे,
राइट right? फिर मैंने यहां पे क्या किया है, आरएस डॉट अपडेट भी किया है और मैसेज भी डिस्प्ले करवाया है, और यहां पे मैंने सारे बटन को, ये डीओ वाला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं उसकी कंपैरिजन है। फॉर्म लोड पे आप देख लीजिए क्या किया था मैंने, डेटाबेस को ओपन करवाया था, कनेक्शन मेंटेन किया था, फिर मैंने रिकॉर्ड सेट को सेट किया था। तो एडीओ में वही तो मैंने किया है भाई, इसमें भी क्या किया है, इसमें वही काम किया है मैंने। सी सबसे पहले कनेक्शन को सेट करवाया और फिर रिकॉर्ड सेट को ओपन किया है, राइट। अब रिकॉर्ड सेट का इसके अंदर कर्सर टाइप भी है, डायनेमिक, ऑप्टिमिस्टिक, ये सारी चर्चा मैंने अभी तक नहीं की है, टाइम मिलेगा तो कर दूंगा, अदरवाइज आप बुक में जाकर देख सकते हैं सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है तो हम इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, राइट। दूसरी बात, राइट, यहां पे भी सेट डेटा, ये मैंने एफआरएम नेविगेशन को डिसेबल कर दिया था, क्योंकि अगर मान लो कि एक भी रिकॉर्ड डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है तो फिर इसको तो डिसेबल ही रखना पड़ेगा, तो मैंने यहां पे एक कंडीशन ज्यादा लगाई थी, राइट। बाकी तो सेट डेटा तो आपको पता है कैसे करना है, वही काम मैंने किया हुआ है भाई ईडीओ में, और कुछ नया नहीं है यहां पे। अब आपको क्वेश्चन होता होगा कि सर अगर सब सेम ही है भाई, जैसे जैसे डीओ काम करता है वैसे आरडीओ काम करता है, वैसे ही ईडीओ काम करता है, कुछ कोडिंग ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इस सारों में डिफरेंस क्या है? अरे भाई डिफरेंस तो वही है ना कि भाई जो आपका डीओ है वो लिमिटेड फंक्शनैलिटी देता है, मतलब कि अगर आप डीओ में काम करते हैं तो आप क्लाइंट सर्वर आपका जो अप्रोच है उसको फॉलो नहीं कर सकते। अगर आपका डेटाबेस कोई अलग पीसी में पड़ा हुआ है लैब में मान लो के, तो उसके साथ आप कनेक्ट नहीं हो सकते, उसके लिए आपको आरडीओ की जरूरत पड़ेगी। हम तो यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल करवा रहे हैं वो तो क्या करवा रहे हैं, वो तो आपको सिर्फ समझाने के लिए करवा रहे हैं, तो हम तो वैसे ही एग्जाम्पल लेंगे ना जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पे अगर क्लाइंट सर्वर वाला कनेक्शन मेंटेन करूंगा तो फिर तो टाइम ज्यादा लगेगा, आपको दूसरे कंप्यूटर में डेटाबेस कहां पे पड़ा है कहां पे नहीं है आपको कैसे मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसके लिए हम आपको वो ही दिखा रहे हैं जो सब में कॉमन है। ईडीओ में आप क्लाइंट सर्वर को, सॉरी डीओ में एक्सेस नहीं कर सकते, आरडीओ में वो हो सकता है, और ईडीओ जो है वो थोड़ा एडवांस है जिसमें आप क्लाइंट सर्वर और विदाउट क्लाइंट सर्वर, मतलब कि आरडीओ और डीओ दोनों की फैसिलिटी आपको ईडीओ में मिल जाती है। दूसरी बात, ईडीओ में आपका जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है सीएन, उसका सिर्फ उसका यूज करके आप इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये तीनों काम कर सकते हैं। कैसे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूं। अभी तक हमने क्या किया है आप देख रहे हैं, इंसर्ट अपडेट के लिए मैंने रिकॉर्ड सेट का मैं यूज कर रहा हूं, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आरएस का हम यूज कर रहे हैं, पहला रिकॉर्ड रिकॉर्ड सेट में जाता है और जब हम अपडेट मेथड फायर करते हैं फिर वो डेटाबेस में सेव होता है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इन बिटवीन जो ये रिकॉर्ड सेट है उसको हम निकाल देंगे बीच में से, क्या करने के लिए, तीन काम करने के लिए, इंसर्ट वाला काम, अपडेट वाला काम और डिलीट वाला काम, ये तीन काम करने के लिए हम रिकॉर्ड सेट का यूज नहीं करेंगे। रिकॉर्ड सेट का हम सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे ओनली फॉर ओनली सिलेक्शन पर्पज के लिए, और वो ही बेटर है, वो ही बेटर है, तो आपको ये थोड़ा समझ में आना चाहिए। सो इसको मैं क्लोज कर देता हूं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। आज का जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है, राइट, वो जस्ट नोट डाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन ईडीओ विथ एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में लिखना है। दूसरा भी मैं दे सकता हूं, एक्सप्लेन रिकॉर्ड सेट ऑफ ईडीओ और मेथड ऑफ द रिकॉर्ड सेट ऑफ द ईडीओ, बट वो डीओ और ईडीओ में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है रिकॉर्ड सेट में, सो मैं रिपीट क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो यहां पे ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जा रहे हैं लॉग इन फॉर्म डेवलप करने का, मेरा थोड़ा वो लॉजिक है कि भाई हम एक लॉग इन फॉर्म कैसे काम करता है, राइट, कैसे हम नया यूजर ऐड करवा सकते हैं, तो उसके लिए भी एक फॉर्म बनाएंगे, चेंज पासवर्ड के लिए भी एक फॉर्म बनाएंगे, तो तीन फॉर्म बनाने का मेरा टारगेट है। लेकिन मैं करूंगा क्या, सबसे पहले मैं फॉर्म को डिजाइन करके तैयार रखूंगा, और जब लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा कि मैंने भाई ये फील्ड लिए है, उसके बाद में कोड आपके सामने लिखूंगा, क्योंकि डिजाइन करने में वक्त ज्यादा चला जाता है। अगर मान लो कि मैं तीनों फॉर्म को डिजाइन करने बैठूंगा
लाइव लेक्चर में, तो फिर आधा घंटा तो उसमें चला जाएगा, फिर आधे घंटे में मैं क्या आपको डिस्कस करूंगा। सो बेटर है कि मैं पहले डिजाइन कर दूंगा और उसके बाद ये तीनों फॉर्म का जो कोड है वो कोड मैं आपके सामने इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, ओके, फाइन, थैंक यू।